मेन्यू मेल के किचन में अर्जुमन मंसूर आपको खुशामदीद कहती है। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं, मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मेन्यू मेल का स्पेशल रोस्टेड गरम मसाला, तो मैंने कहा आज आपको सिखा दूँ ताकि मेरी रेसिपीज जब आप अपने घर में बनाएं तो आपके लिए आसानी रहे। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये मेरे पास बादाम है, ये कोई 25 के करीब बादाम है, छोटी इलायची है मेरे पास, इसके साथ ही मेरे पास जावित्री है, साथ ही मेरे पास लौंगे हैं, लौंग के साथ मेरे पास तेज पत्ता है, इसके बाद ये मेरे पास तीती है, साथ ही मेरे पास जायफल है, और उसके साथ ही आपको नजर आ रहे होंगे मेरे पास जो है ये बादियान के फूल हैं, ये दालचीनी है, सफेद जीरा और काला जीरा। अब मैं आपको इसकी मकदार बताती हूँ कि जितना भी गरम मसाला आपको बनाना हो कौन कौन सी चीजें हम वजन होंगी। सफेद जीरा और काला जीरा ये हम वजन होगा, अगर आप दो दो टेबल स्पून ले रही हैं तो दोनों दो दो टेबल स्पून होंगे जी। इसके साथ ही बादाम, छोटी इलायची और लौंग ये हम वजन होंगे, अगर आप 10-10 ग्राम ले रही हैं तो ये दोनों तीनों चीजें 10-10 ग्राम होंगी। अच्छा, बकिया सामान जो है जितना, जैसे अब आपने बादाम, छोटी इलायची और लौंग 10 ग्राम ली तो बकिया जितनी भी चीजें हैं वो इससे डबल क्वांटिटी में जाएंगी, यानी वो सब ये 10-10 ग्राम है तो वो सब चीजें 20-20 ग्राम होंगी। ये मैंने आपको इसकी क्वांटिटी बता दी है ताकि आपको बनाते हुए आसानी रहे। अच्छा, वैसे मैं अपने रेसिपी कार्ड में ये सब चीज़ें मेंशन कर दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में और बनाने में कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कि इसका रेशो क्या है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत वजाहत से बता दिया है कि तीन चीज़ें, एक हम वजन होंगी, छोटी इलायची, बादाम और लौंग, काला जीरा और सफेद जीरा जो है, अगर आप 20 ग्राम का बकिया चीजों का हिसाब रख रहे हैं तो वो जो है, जैसे दो मैंने यहाँ दो टेबल स्पून वो लिया हुआ है सफेद जीरा और दो ही टेबल स्पून मैंने काला जीरा लिया हुआ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए ये चीज ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अब कौन सी चीजें हमें रोस्ट करनी है और कौन सी चीजें हमें रोस्ट नहीं करनी है ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। जायफल जो है ये साबुत नहीं भुनी जाएगी, रोस्ट नहीं करूंगी इसे साबुत, बल्कि इसको थोड़ा सा कूट के रोस्ट करूंगी। और इसी के साथ ये बादियान के फूल भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, ये 4 अदद पीपली है ये मैंने इसमें डाली, ये लौंग है ये भी मैं हल्का सा कूट लूंगी इनको भी, ये दालचीनी है ये भी मैं इसमें शामिल करके हल्का सा कूट लूंगी। अब ये तमाम चीजें मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये काला जीरा और सफेद जीरा मैं हल्का सा रोस्ट करती हूँ। सफेद जीरे और काले जीरे के बाद मैं ये तेज पत्ता इसको रोस्ट करूंगी। अच्छा, बादाम और छोटी इलायची ये रोस्ट नहीं होंगे, क्योंकि बादाम रोस्ट करेंगे तो ये अपना ऑयल छोड़ेगा और साथ ही छोटी इलायची भी, तो इन दोनों चीजों को रोस्ट नहीं करेंगे, बकिया जितना गर्म मसाला मैंने आपको दिखाया उन तमाम चीजों को मैं रोस्ट करूंगी और रोस्ट करने के बाद इसे बारीक पीस लूंगी। तो तैयार है मेन्यू मील के किचन में मेन्यू मील का ये स्पेशल रोस्टेड गर्म मसाला, ये मेरी बहुत अहम रेसिपी है, तो आप भी अपने घर में बनाइए और कुछ खानों के लिए तो बहुत ही जायकेदार हो जाती है, जैसे आप कौरमा बनाएं या कुछ किस्म की बिरयानियां भी ऐसी हैं, हर बिरयानी में नहीं लेकिन कुछ बिरयानियां हैं जिसमें ये जाता है। तो अपने किचन में मेरे अंदाज में ये रोस्टेड गरम मसाला बनाइए और फिर मुझे बताइए कि मेन्यू मील का ये स्पेशल गरम मसाला आपके खानों को किस तरह लजीज बनाता है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।